रेडी। नमस्कार साथियों, आप लोग भी कहेंगे आज हो क्या रहा है, लेकिन अब यही होगा क्योंकि वो वाले लोग यही बात समझते हैं। आपके सामने जो शख्सियत बैठी है वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं। मेरे बड़े भाई अविनाश पांडे जी, धीरज भाई, प्रदीप भाई और हमारे सबके भाई दानिश अली जी, ज़्यादा भूमिका बांधने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रभारी उत्तर प्रदेश के महासचिव हमारे अविनाश पांडे जी इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। नमस्कार साथियों, भाई पवन खेड़ा जी, पुनिया जी, मेरे सहयोगी धीरज जी, प्रदीप जी और आज हम सबके बीच सांसद दानिश अली जी, जो आप कांग्रेस परिवार में सम्मिलित होने जा रहे हैं, हम सब दानिश जी का स्वागत करते हैं। आप सब जानते हैं कि दानिश जी छात्र जीवन से लेकर सतत राजनीति में उनकी रुचि रही और एक लंबे संघर्ष के बाद 2017 में उन्होंने पिछले दिनों भी JDS के साथ काफ़ी नज़दीकी से काम किया और BSP के आज वर्तमान सांसद अमरोहा इस लोकसभा क्षेत्र से विनिर्वाचित हुए थे 2019 में। हम सब दानिश अली जी का कांग्रेस परिवार में उनका स्वागत करते हैं। दानिश अली जी मणिपुर से जो माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो शुरुआत हुई थी, उस यात्रा में सतत शुरुआत से लेकर अंत तक दानिश जी का पूरे यात्रा में सहयोग रहा, उनका साथ समय समय पर मिलते रहा और राहुल जी की इस संकल्प यात्रा को सही मायने में जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा लेकर बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्तों के आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को ना ही सिर्फ अमरोहा में या सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि एक संदेश देने के लिए आज इस मंच पर वो आए हुए हैं कि कांग्रेस का दामन थाम कर माननीय राहुल गांधी जी का जो संकल्प और विशेष रूप से जो 5 सूत्रीय 5 स्तंभीय न्याय की बात जो आज पूरे देश को वो समझा रहे हैं, उस मिशन में, उस मुहिम में हम सबको दानिश जी के आने से बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। और उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष रूप से मैं बतला दूं साथियों कि पिछले दिनों यूपी यात्रा से लेकर माननीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 7 दिन का प्रवास उत्तर प्रदेश में जो रहा है, उसमें लोगों के द्वारा और जन सामान्य द्वारा जो समर्थन और लोगों का जोश और साथ ही साथ युवा किसानों का जो आक्रोश सड़कों पर देखने मिला, वो अपने आप में दर्शाता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठने जा रही। पुनः एक बार दानिश अली जी का हम स्वागत करते हैं और मैं निवेदन करूंगा दानिश अली जी से कि वे मैं आज विधिवत कांग्रेस परिवार में, कांग्रेस के इन सभी हमारे परिवार में उनको सम्मिलित करते हैं और इस तिरंगे के साथ, कांग्रेस के इस दुपट्टे के साथ उनको आज पार्टी में हम शामिल करते हैं। स्वागत है आपका पुनिया जी। आइए प्रदीप भाई, बना दिया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
देंगे, मैं दूंगा। आइए सर, आप अब मैं दानिश अली जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने दो शब्द आपके सामने रखें। साथियों, आज जो देश की परिस्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। एक तरफ विभाजनकारी शक्तियां और दूसरी तरफ देश के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने वाली शक्तियां हैं। तो चॉइस बहुत साफ है कि जहां पर हम जिस दोहराए पर खड़े हैं, आज वो फैसला लेने का वक्त आ गया था कि हमें अगर विभाजनकारी शक्तियों से लड़ना है तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खारगे जी हमारी सबकी त्याग की देवी श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, हमारे अविनाश पांडे जी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं यूपी के, केसी वेणुगोपाल जी, इन सब लोगों से मेरी लगातार बात हुई। हमारे प्रदीप नरवाल जी, पवन खेरा जी हमारे पुराने मित्र हैं, धीरज गुजर जी, पुनिया जी, सब लोग। तो मतलब अब कोई जो आगे का रास्ता है वो जिस आइडियोलॉजी को लेकर के हम छात्र राजनीति से संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम जहां पर हैं थे वहां दिक्कतें और कुछ नहीं, सिर्फ जिस ऊर्जा के साथ हम लड़ना चाहते हैं उन विभाजनकारी शक्तियों से, उसमें कहीं हमारे साथ कुछ दुश्वारियां पैदा हो रही थी। तो इसलिए ये फैसला, क्योंकि मैंने इसलिए कि पहले ही सेंटेंस में ये कह दिया कि आप इससे पहले सवाल पूछते तो मैं पहले ही उसका जवाब दे दूं, इसलिए आज ये अहम फैसला अपनी फ्यूचर पॉलिटिकल जर्नी के लिए मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, फिर आपको इस तरह के रोज तकलीफ देते रहेंगे। आज अभी तो हो गया, फटके कम पड़ गए इसलिए आज तो हो गया, खत्म हो गया। और तैयारी है आपके लिए। हाँ बिल्कुल।